ओके तो आज हम क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले वर्ड समझना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रो? तो ये इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज से, और स्टैटिक का मतलब क्लियर है, इसका मतलब है रेस्ट से। चार्ज आपको कि चार्ज और इलेक्ट्रो में क्या रिलेशन है, तो बेसिकली चार्ज का रिलेशन इलेक्ट्रो वर्ड से है, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट में होगा। फाइन, फिर हम स्टार्ट करते हैं चार्ज के लिए। कितने टाइप के चार्जेस हैं सबको पता है, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कहते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्ज कहते ही क्या आता है, इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको हर एटम में मिलेगा। आपको पता है कि किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है वहां पर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है, और इसके ऑर्बिट्स में हमको क्या मिलता है, इसके ऑर्बिट में मिलता है हमको इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे ऑब्टेन करता है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक रबर बलून है, तो वो चार्ज कैसे हो गया? या तो ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो ये चार्ज कैसे होगा? तो चार्ज तो हमको पता है कि या तो सिर्फ प्रोटॉन पे है या फिर इलेक्ट्रॉन पे है। तो इस ऑब्जेक्ट पे अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएगा, या नेगेटिव चार्ज आता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आएगा? तो ये हम लोग देखना है, ये हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा। तो एज वी ऑल नो कि एक एटम में, एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बराबर होगा। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन की संख्या, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर दें, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें, तो अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है आपका वो लेस हो जाएगा, सॉरी वो ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इस कारण से ये जो न्यूट्रल एटम है अब हमारा कैसा हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि इस पे प्रोटॉन की संख्या अधिक है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, तो ओवरऑल इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, ओवरऑल इस बॉडी के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव।
वही अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें अगर हम कैसे भी करके बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल देंगे तो अब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, इसलिए ये ओवरऑल कैसा हो जाएगा, ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कारण है किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव चार्ज गेन करने का या फिर नेगेटिव चार्ज गेन करने का, मतलब दोनों ही केस में या तो हमको पॉजिटिव चार्ज करना है किसी ऑब्जेक्ट को या फिर नेगेटिव चार्ज करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, दोनों ही केस में क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखने वाली बात है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन का ट्रांसफर किसी भी केस में नहीं दिखा है, इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन का ट्रांसफर इन जनरल केसेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे कारण है कि प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिस कारण से प्रोटॉन्स आपस में टाइटली बाउंडेड होते हैं, और इस प्रोटॉन को अगर आप चाहिएगा कि इसके न्यूक्लियस से बाहर ले जाएं तो वो न्यूक्लियस, अगर इसको बाहर ले जाना है तो वो बहुत एनर्जी डिमांड करेगा जो कि इन जनरल केसेस पॉसिबल नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट्स में होते हैं तो बाहर के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आसान हो जाता है, जबकि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल है, और जनरल केसेज में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है। सो फॉर चार्जिंग एनी बॉडी व्हाट इज द विच फैक्टर कैन बी ट्रांसफर्ड, विच क्वांटिटी कैन बी ट्रांसफर्ड, दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन्स नॉट द प्रोटॉन्स।